हेलो, मेरा नाम हर्षवर्धन सोम है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं क्वेस्ट में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया था। सो ये मेरी ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन है। और ट्रांसप्लांट से पहले ये मिड क्राउन एरिया, पूरा क्राउन एरिया बिल्कुल, मतलब बाल बहुत कम थे यहाँ पे, बहुत थिनिंग थी। एंड ये वाटर, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी। जैसे दिल्ली में आने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा और भी चीज़ें थी जिनकी वजह से, स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण हमने और भी बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की थी जैसे माइनोक्सिडिल वगैरह, बट उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। एंड हमने यूट्यूब पे देखा था QST के बारे में, तो हमने रिव्यूज भी बहुत अच्छे देखे कि लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं कि QST पे हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से होता है एंड पेनफुल नहीं होता ज़्यादा। तो फिर हमने भी डिसाइड किया कि QST विजिट करने का। तो फिर QST मेरी सर्जरी 21 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, तो आज एक महीना हो चुका है, 26 मार्च है। तो मैं आज अपनी फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ। मेरी सर्जरी स्टार्ट 21 फरवरी को हुई थी एंड मुझे 5500 ग्राफ्स लगे हैं। एंड मेरी सर्जरी QST टेक्निक से हुई है। सो सर्जरी से पहले मैं थोड़ा नर्वस था कि कितना पेन होगा, कितना नहीं होगा एंड कैसे सब लोग, मतलब कैसे होता है। तो फिर जब सर्जरी स्टार्ट हुई 21 को, तो मुझे बताया गया था कि 3 दिन में ही सर्जरी चलेगी। तो फिर सर्जरी के टाइम थोड़ा बहुत पेन होता है, मतलब अगर आपको पेन होता है तो आप डॉक्टर्स वगैरह को बताएंगे तो वो आपकी हेल्प करते हैं पेन रिलीफ करने में। सो सर्जरी के टाइम डॉक्टर लोग जो थे, उन लोगों ने बार बार मुझसे पूछा कि सर आप ठीक तो हैं नहीं, अगर कोई भी क्वेरी होती थी जैसे वॉशरूम रिलेटेड या फिर खाना रिलेटेड, तो फिर वो बार बार पूछते थे कि सर आपको भूख तो नहीं लगी या फिर वॉशरूम जाना है नहीं, बार बार पूछते रहते थे। बहुत ही, और बहुत हाइजीनिक भी था, सब लोग मास्क और ग्लव्स पहन के काम करते हैं। एंड जब मेरी सर्जरी एंड हुई तो फिर मुझे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मुझे कैसे कैसे मेडिसिन लेनी है और क्या क्या मुझे नहीं खाना है। मुझे फास्ट फूड वगैरह खाने के लिए मना किया था एंड ऑयली और स्पाइसी भी मना किया था कि 1-2 महीने तक नहीं खाना है एंड कोई भी वर्कआउट या जिम नहीं करना है। सो मेरी सर्जरी में 5500 ग्राफ्ट लगे हैं, जिसमें कुछ ग्राफ्ट मेरे डोनर एरिया से निकाले गए हैं एंड कुछ मेरे बियर्ड एरिया से। सर्जरी के बाद करीबन मेरा, मतलब नॉर्मल होने में मेरा टाइम करीबन 2 हफ्ते तो लगा था। तो हमको, मतलब मेडिसिन भी दी जाती है सर्जरी के बाद, तो आप मेडिसिन अप्लाई करते रहना। सर्जरी के बाद जब मैं घर गया था तो फिर मुझे QST टीम ने डेली कॉल करके बताया था कि आपको कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है ताकि स्वेलिंग ना हो और आपका, मतलब जो ग्राफ्ट एरिया है वो डैमेज ना हो। तो उसके लिए बार बार मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि मुझे कैसे सर की उस हेड को वॉश करना है और किस तरीके से उसको सेफ रखना है कि अगर मैं कभी बाहर जाऊँ तो फिर हमेशा मुझे सर्जरी, मतलब कैप पहन के जानी है ताकि कोई भी उस पर डस्ट पार्टिकल ना लगे। एंड करीबन 1-2 हफ्ते तक उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया था एंड देन डेली कॉल आता था QST टीम का एंड वो मुझसे पूछते थे कि सर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया था जिस पे मैं उनको कभी भी कॉल कर सकता था रिगार्डिंग एनी इशू। सो मेरा जो 1 मंथ की जर्नी थी सर्जरी के बाद, तो उसमें मुझे पहले ही बताया गया था कि शेडिंग फेज होगा जिसमें आपके जो ट्रांसप्लांट किए बाल हैं वो सारे झड़ जाएंगे। तो फिर जैसे अभी हेड वॉश करते हैं तो फिर उसमें बाल झड़ते हैं, पर उससे पैनिक नहीं करना है, तो क्योंकि ये एक फेज होता है जिसमें आपके जो ट्रांसप्लांट बाल है इनकी जो रूट्स हैं वो लग चुकी हैं। अब ये शेडिंग फेज होगा, इसके बाद आपके बाल ग्रो होना शुरू होंगे असली, और उसमें करीबन 6-7 महीने लग जाएंगे आपके अच्छे से बाल आने में। तो हमको ये बताया गया शेडिंग फेज 1-3 मंथ का होता है एंड उसके बाद से आपकी ग्रोथ आना स्टार्ट होती है। तो ये ग्रोथ आप पे डिपेंड कर सकती है, ग्रोथ तो जैसे आप क्या फूड लेते हो, क्या मतलब आप क्या एक्सरसाइज रखते हो, उस पे डिपेंड कर सकती है। मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग QST में प्राइस अफोर्डेबल है एंड अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल है एंड QST हेल्पफुल भी है, हाइजीनिक भी है। जो भी लोग हेयर लॉस को फेस कर रहे हैं, फिर हेयर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि वो एक बार आके विजिट करें। यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे एंड आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कैसे अपने हेयर्स की केयर करनी है या फिर हेयर्स अगर आपका ज़्यादा लॉस है तो फिर आप ट्रांसप्लांट यहाँ पे करवाने आ सकते हैं। मैं आज फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ 1 महीने बाद। सो मैं आपको जल्दी मिलूंगा अपनी अच्छे ग्रोथ के साथ नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.